अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ टिंट के बारे में कि बेस्ट टिंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा है बेस्ट टिंट। मैंने बहुत सारे ब्रांड के टिंट यूज़ किए हैं पर मुझे समझ में नहीं आए, इस वजह से कि बहुत सारे उनमें से स्टिकी थे और बहुत सारों की स्मेल अच्छी नहीं थी। एक ब्रांड का टिंट मुझे काफ़ी पसंद आया बेनिफिट का, लेकिन वही मसला कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा कि कम कॉस्ट में आपको जो है वो बनाना सिखाऊं घर में टिंट, अच्छा टिंट। ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई बार बार तंग करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कम कॉस्ट में हम किस तरीके से टिंट घर में तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको दो टिंट का रिव्यू दूंगी, एक मरियम परवेज के टिंट का, काफ़ी इंस्पायर हूँ वैसे मैं उनसे आपको बता दूं, और दूसरा जो है वो अपने होममेड टिंट का। फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टिंट बेहतर है, कौन सा टिंट अच्छा है। मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि बार बार मक्खी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो चलें हम बताते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी मरियम परवेज का होममेड टिंट और उसका रिव्यू आपको दूंगी। तो ये हम ले लेंगे एक कटोरी, और इसमें हम ऐड करते जाएंगे जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाते जाऊँगी। हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, तो हम निकाल लेते हैं एलोवेरा जेल। हम ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, और हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। क्रीमी फॉर्म में आने के बाद हम काफ़ी ज़ोर से टक टक नहीं हो रहा क्रीमी फॉर्म में आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, ये है हमारे पास फूड कलर, रेड कलर का फूड कलर ले लिया है हमने, ये है हमारे पास फूड कलर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है फूड कलर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये है हमारे पास अरके गुलाब रोज़ वाटर, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर। 2 टेबल स्पून ही ऐड कीजिएगा, कहीं आप ज़्यादा कर दें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के हम सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, हमने डाल दिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा टिंट रेडी हो चुका है मरियम परवेज का। होम मेड टिंट तैयार करने जा रही हूँ, उसके लिए ले लूँगी मैं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेने के बाद हमने ये इसमें ऐड कर लिया एलोवेरा जेल को। ये देखें, छोटा सा जार है मेरे पास, इसमें हमने ऐड कर लिया। इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। कम लग रहा है थोड़ा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा और ऐड कर लेता। ये टिंट आप यूज़ करके देखिएगा, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मेरा ख़त्म हो गया इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। देखें, अब हम इसमें ये एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद हमने इसको क्रीमी फॉर्म में कर लिया। क्रीमी फॉर्म में करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चुकंदर का जूस, सिर्फ 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये देखें आप, चुकंदर का जूस ये हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, नज़र आ रहा है आपको। 1 टेबल स्पून चुकंदर का जूस ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे वही थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर और ऑलिव ऑयल के सिर्फ 2 ड्रॉप्स। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। नज़र आ रहा है आपको कितना खूबसूरत कलर तैयार हो रहा है। ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। तो हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फिंगर से ही अप्लाई कर देते हैं पहले हम इसको, फिर देखेंगे हमें ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको मरियम परवेज के टिंट का रिव्यू दूंगी कि मरियम परवेज का टिंट कैसा है। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं, चीक्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लशन अप्लाई नहीं किया है तो मैं इसको चीक्स पे अप्लाई करती हूँ। तो फिंगर के साथ ही ये लेफ़्ट साइड पर मैंने ये मरियम परवेज का टिंट यूज़ किया है।
देखें काफ़ी अच्छा, इससे भी रेड रेड आपकी चीक्स हो गई हैं काफ़ी अच्छी। अब मैं इस पे हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर को टैप कर लूँगी। ये देखें आप, टैप कीजिएगा सिर्फ इसको जोर बिल्कुल हल्के हाथ से। ये हो गया मरियम परवेज का टिंट लेफ्ट चीक पे। अब मैं करने जा रही हूँ अपने टिंट को अप्लाई, जो मैंने तैयार किया है। अब इसका देखते हैं हम रिव्यू। ये राइट चीक पे बीटरूट वाला, चुकंदर वाला, थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी। इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा हल्के हाथ से टैप कर दूँगी। इसकी खुशबू बड़े मज़े की है, बीटरूट वाले की। चुकंदर आपने खाया तो होगा लेकिन कभी लगाया नहीं होगा, तो आज आप लगा के भी ट्राई कीजिएगा। देखें ये राइट चीक पे जो है ये मेरा होममेड टिंट है, और ये लेफ़्ट चीक पे जो है ये मरियम परवेज का टिंट है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों मुझे बहुत पसंद आए हैं, दोनों ही ज़बरदस्त हैं। ये जो मरियम परवेज़ वाला है, अगर आपको इंस्टेंट रेड रेड लुक चाहिए या पिंक पिंक लुक चाहिए तो इससे फ़ौरन फ़ौरन मिल जाएगा। और ये जो बीटरूट वाला है इससे फ़ौरन भी मिलेगा। और ये है कि बीटरूट लगाने से अपने लिप्स पे, चीक्स पे आपके आहिस्ता 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 लगा लगा के ऑटोमेटिकली आपके जो हैं वो चीक्स और लिप्स जो हैं वो रेड और पिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे तो दोनों बहुत पसंद आए हैं, आप दोनों में से जो चाहें बना सकते हैं। और तो गाइस देखा आपने कि हमने कितनी कम कॉस्ट में घर में एक अच्छा टिंट तैयार कर लिया है। सिर्फ 20-30 रुपए का खर्चा आया होगा, कोई हमने एवं चैनल थोड़ी खोला है कोई दुकान थोड़ी है जो खोला है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक वो तो आप लोग करते ही नहीं हैं, लाइक करना क्यों भूल जाते हैं आप लोग? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।